दिलचस्प भी। शाम सुबह मिलते नहीं। तो हे गाइस, दिस इज मी नितिन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। सो अभी मैं आ चुका हूँ सुहागी पहाड़ पर और बहुत ही प्यारा व्यू है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरी बैंड बज चुकी है। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक जगह जा रहा हूँ घूमने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं, बस अपने प्रयागराज से 100 किलोमीटर की रेंज में ही है, और उसका नाम है बहुत ही वाटरफॉल। आप लोग ने टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे सब लोग। और बहुत ही वाटरफॉल मैं फ़र्स्ट टाइम गया था जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, मेरा पहला ब्लॉग ही था बहुत ही वाटरफॉल का। तो आज जा रहे हैं वहाँ पर और बहुत सारा कुछ प्लान है वहाँ पे जाके कुछ करने का, कुछ एडवेंचरस करने का। और मेरे साथ 3 लोग और हैं तो उनसे भी मिलवाता हूँ मैं, और एक पुराना चेहरा और 2 नए चेहरे के साथ। प्रकाश भैया आ चुके हैं तकरीबन आज नितिन के साथ में, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। क्या आपके साथ? तुम्हारे साथ तो तकरीबन 1 साल बाद। 1 साल हो गया है। तो 1 साल बाद नितिन के साथ आज फिर, और आज हम लोग फिर ट्रैकिंग करेंगे बहुत ही वाटरफॉल। और इस बार का जो वीडियो रहेगा ना, एकदम लाजवाब रहेगा, कुछ अलग ट्राई करने का प्रयास है हम लोगों का। और 2 नए चेहरे हैं तो उनसे भी मिलवाता हूँ। और ये है पंडित, इसका नाम है शिवम, लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहता था ये, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इस टाइम भी बिजनेस का ही काम कर रहा है यहाँ पर। ये आया अपना भाई ऋतिक, ये भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इन लोगों को ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि किसी तरीके हम इन लोगों को उठा लाए। यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत क्या, कम से कम आधे घंटे कर लिया। आधे घंटे में हम लोग हाफ फ्राई हो चुके हैं, फुल फ्राई होना बाकी अगर आधे घंटे और यहाँ पे बैठ गए तो। तो चलते हैं यहाँ से सुहागी, जहाँ पे हमेशा हम लोग रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे सुहागी के थोड़ा सा आगे, वहाँ पे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा करेंगे, देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे बहुत ही वाटरफॉल के लिए। लेट्स गो। तो गाइस राइट नाउ अभी हम लोग आ चुके हैं एक ढाबे पर, सुहागी पहाड़ जैसे ही क्रॉस करोगे पहला ढाबा जो पड़ता है वहाँ पर ही हम लोग टोल के आगे। और इस ढाबे पर हम लोग ने जितने भी राइड किए एमपी के, इस ढाबे पे हमेशा रुकते हैं और आज भी रुके हुए हैं, यहाँ पर ही खाए। और भाई यहाँ का छोला समोसा बहुत ही लाजवाब रहता है, हमारा छोला समोसा आ चुका है, ये रखा है, खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं बहुत ही वाटरफॉल के लिए। अब प्रकाश भैया नींद आ रही है क्या? नींद नहीं आ रही, अब तो शरीर खुल रहा है, मतलब अभी तक नींद नींद से लग रहा था, यहाँ जब आ गया ना उसका लग गया कि हाय फिर से जाग गया। देखो कितना भी इंडस्ट्रियल घूम लो, कहीं भी चले जाओ ठीक है, लेकिन जो नेचुरलिटी की जो बात होती है ना उसकी बात ही अलग है यार। और अभी देखो आगे आने वाला है, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही, और बहुत ही के पीछे का व्यू देखो कितना खर गया है भाई साहब, मग्गे से भी पानी नहीं गिर रहा है, दिमाग हो चुका है खराब, इतनी गर्मी में राइड करके यहाँ पे आए, 100 किलोमीटर राइड किया, और हम लोग ने रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे तो 25 किलोमीटर हम लोग ने एक्स्ट्रा चला और आगे ये देखने को मिला, कहीं से भी पानी नहीं गिर रहा यार, कहीं से भी। सो गाइस अभी हम लोगों की पूरी तरह से बैंड बज चुकी है, हम लोगों की क्या मेरी सबसे ज़्यादा बैंड बज चुकी है, और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लान कर रहे थे कि टोन्स वाटरफॉल यहाँ से चले जाए, लेकिन टोन्स यहाँ से 80 किलोमीटर है, और बाय चांस अगर वहाँ पे चले भी जाते हैं किसी तरह, क्योंकि अभी यहाँ पे 10 बज रहे हैं और टोन्स यहाँ से 80 है, तो 12 बजे तक मैक्सिमम पहुँच भी जाएंगे वहाँ पर, 2 घंटे में आराम से 80 किलोमीटर कवर कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये कि अगर वहाँ पर भी पानी नहीं मिला तब क्या होगा, तो कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं मिल रहा है कि वहाँ पर पता कर लें। एमपी के कुछ पेजेस हैं वहाँ पे बात हुई उनसे, तो वो कह रहे हैं कि टोन्स में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, और बहुत ही तो एमपी का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है और है, तो अगर जब यहाँ पानी नहीं है तो वहाँ पानी कैसे मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और लोग जो भी प्रकाश भैया लोग हैं तो कह रहे हैं नीचे चलते हैं, बट मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या करना है। गाइस पानी तो वैसे वाटरफॉल पर है नहीं, आना तो पूरा ट्रिप बर्बाद ही था, लेकिन नीचे उतरने का हम लोग का शुरू से ही प्लान था, तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और जब पहली बार हम लोग नीचे गए हुए थे तो रास्ता कहाँ से गए थे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे उतरना कैसे है, क्योंकि जहाँ ट्रैक करके जाना था वो समझ में आ रहा है कि यहाँ से ही जाना, लेकिन उतरना वहाँ पे कैसे ये नहीं समझ में आ रहा, तो देखते हैं। ये है मेरे ख्याल से वो सामने वाला,
सामने ये कुटिया दिख रही है, यहाँ पे नीचे उतरना है हम लोगों को, और यहाँ से रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है। जब फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे तो ये वाला दिखा था, ये जो धर्मेंद्र सीता राय साहब ये लिखा है ना, ये यहाँ से होते हुए हम लोग गए हुए थे। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था ना तो ये चीज़ था, तो इसी से मुझे याद आ गया कि हाँ रास्ता इधर ही कहीं से ही है। जाहिर नहीं आकिल हूं मैं, आसिम नहीं। जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूं मैं, आसिम नहीं। सुबह पूछे रात शाम क्या हसी, सो गाइस अभी मैक्सिमम 100 फीट और बचे हैं ट्रैक करने के लिए, और हालत सबकी बेकार हो गई है। पीछे प्रकाश भैया बैठे हैं, हालत बहुत बेकार है। ये शिवम बैठा है इधर, लेकिन कुछ भी कहो भले ही हालत बेकार है, मैं भूल गया क्या, लेकिन ये जो फील है ना, मतलब इसके कोई कोई दो तोड़ नहीं है। हाँ, पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब ये हवा लग रही है ना तो सारा गर्मी सारा थकावट ना दूर हो जा रहा है। दूर हो जा रहा है, सही बात। यहाँ पे जब थोड़ा ठंडा है अंदर साइड, और ऋतिक भी बैठा है, ऋतिक का तो हालत बहुत ज्यादा बेकार है। मतलब अकेले मैं ही मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। एक्चुअली बात यह है कि ऋतिक भाई जहाँ भी जाते हैं वैगनार से जाते हैं। हाँ, उनको हमेशा चार पैर की जरूरत रहती है। सो फाइनली पानी नीचे नजर आ गया, नीचे हम लोग आ चुके हैं, और बहुत ही हालत बेकार है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से गला बहुत सूख रहा था। अच्छा हुआ कि हम लोग ने कम से कम 4 बोतल पानी हम लोग कैरी किए थे, और बीच में रुके पानी वगैरह पिया, बस कुछ खाने के लिए नहीं ले पाए थे। अगर आप लोग भी ट्रैक करना हो नीचे आप लोगों को, तो पानी अपने साथ ज़रूर लेना, चाहे पानी यहाँ पर रहे या ना रहे, फिर भी आप लोग पानी साथ में बोतल कैरी करना। वैसे बरसात के टाइम पे जब वाटरफॉल यहाँ पे पानी गिरता है, तो पानी कहीं कहीं से जब ये ट्रैक करोगे तो बीच में पानी आपको मिलेगा जहाँ से पानी गिरता रहता है, तो वो पानी आप पी सकते हो। तो अभी लग रहा है कि भगवान भी हम लोग का साथ दे रहे हैं, मौसम भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो गया है। चलते हैं, कपड़ा उतारते हैं और नहाते हैं। गलती एक कर दिया मैंने कि मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर नहीं आया, और सबसे सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये है कि चारों लोग में से किसी को भी तैरना नहीं आता है। तो पानी वैसे उतना गहरा भी नहीं है, और अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा कहो तो पानी मिल गया हम लोगों को यहाँ पर, तो मस्त नहाते हैं। और हम चारों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, बाबा जी लोग हैं, और उसके अलावा तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो मस्त चलते हैं, नहाते हैं, क्योंकि पत्थर बहुत ही ज्यादा गर्म है और पैर जल रहा है। लेट्स गो। और यहाँ हम सभी लोग गर्मी में ठंडेपन का एहसास लेते हुए, मजा आ रहा है, ठंडेपन का एहसास सारथी। तो देखो मौसम ने भी साथ दे दिया यार, धूप खत्म हो गई। देखो अभी अभी टाइम हो रहा है 1:19, ठीक है, और कोई धूप ऊप नहीं है, मस्त आराम से भगवान भोलेनाथ ने साथ दे दिया। सही बात, बहुत मजा आ रहा है, पूरा माहौल चेंज हो गया। बस एक ही चीज की दिक्कत है, मछलियाँ, मतलब भाई पूछो ना, जगह ऐसा काटी है ना, तो हालत बेकार हो गई। छुपी है जो हमसे
शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं। सो फाइनली नहा लिया, थोड़ा बहुत फोटो शूट वगैरह कर लिया, रील्स बनवा लिए। रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, हाय प्रयागराज मेरा पेज है, तो सारी रील्स वहाँ पर आ जाएंगी। जाओ और नेम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं ऊपर, और अंकल जी को यार दिखा कर आए थे हम लोग बाइक, तो पता नहीं अभी वो होंगे कि नहीं होंगे। और 3 बजने वाले हैं, मैक्सिमम 1 घंटे लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, हम लोगों को एकदम ऊपर जाना है टॉप पर, और सोचो अभी हम लोग हैं यहाँ पर, तो लेट्स गो, जल्दी चलते हैं। सो अब ट्रैक को करते हैं ऊपर के लिए स्टार्ट, और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और पानी भर लो भाई, पानी और भर चुके हो? ठीक है, चलो चलो भाई जल्दी, लेट्स गो लेट्स गो, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। जितना नीचे आने में पेन नहीं हुआ था, वो उससे भी ज़्यादा, उससे भी 10 गुना ज़्यादा मेरी बैंड बजने वाली है ऊपर चढ़ने में। और अगर बाइक नहीं मिली बैंड बज जाएगी। हाँ यार, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलते रहो। मेरा तो गला अभी से ही सूखने लगा है, अब ब्लॉगिंग डायरेक्ट ऊपर चढ़ के ही करूँगा। बीच बीच में अगर से बनाते हुए चलूँगा तो बोलता भी रहूँगा, गला भी सूखेगा और ट्रैक भी नहीं कर पाऊँगा। तो डायरेक्ट मिलता हूँ आप लोगों से ऊपर। नीचे इतना so, गहरा है कि इसको कोई गहराई नहीं ना। फाइनली ऊपर आ गए, और क्या गजब का एक्सपीरियंस था आज का। फर्स्ट टाइम आए थे बट उतना एंजॉय नहीं कर पाए, नहा नहीं पाए थे यहाँ पर, बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बस ये ख़राब यही लगा, मछलियाँ आके ऐसा काट रही थी कि ज़्यादा मैं नहा नहीं पाया। बस पंडित और प्रकाश भैया ही नहाए, मैं और ऋतिक उतना नहीं नहा पाए। और हम लोगों की बाइक खड़ी है, थैंक गॉड। बस यही डर लग रहा था कि बाइक है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाइक वगैरह बहुत तेज चोरी होता है, पेट्रोल निकाल दिया जाता है और फिर आगे वही पेट्रोल आपको बेच दिया जाएगा। चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं आगे, फिर उसके बाद निकलेंगे, कुछ खाएंगे वाएंगे ढाबे पर, और निकलेंगे प्रयागराज के लिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में ठंडेपन का एहसास, सही है ना? मला सीख कुल्फी है। ऋतिक तो एकदम लाल पड़ गया भाई साहब, देख रहे हो? धूप कैसे यार,